game decision rate here is coming to give it a yes. आज मैंने क्योंकि इस गेम्स की बहुत सारी रील्स देख ली थी और बहुत सारे लोगों ने दाल बना कैंडी घर पर बनाकर उसके साथ जो गेम था वो खेला था तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई. अब इसमें एक अच्छी चीज ये थी कि इसको बनाने के लिए आपको कोई फैंसी इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए था जो कि मतलब बहुत ही अच्छी बात है. तो बस बेकिंग सोडा वो सभी के घर में आता है और शुगर. तो मैंने शुगर को लिया और मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया और वो मेल्ट होती थी तो मैं उसे हल्का हल्का सा स्टेर अप कर रही थी. हल्का हल्का आप उसको स्टेर करते रहेंगे मिक्स करते रहेंगे तो वो बर्न नहीं होगी. और फिर जैसे ही वो मेल्ट हो जाए तुरंत आप गैस ऑफ कर दीजिए. मिनिमम फ्लेम पे किया था मैंने एकदम लो फ्लेम पे और उसके बाद मैंने फोक यूज करके यहाँ पे बेकिंग सोडा डाला क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद कहीं ज़्यादा ना डल जाए. उसके बाद मैंने उसको मिक्स कर दिया और मिक्स करते टाइम ना जब मैंने फोक हटाया तो उसमें अजीब से शुगरी वायर्स थे तो वो भी बहुत मीठे थे. मैंने ट्राई किया उसे खा के. सो अब क्योंकि मेरे पास बटर पेपर नहीं था इस टाइम पे तो मैंने एक स्वीट सा जुगाड़ यूज़ किया. मेरे घर पे जो मिठाई के रैपर्स होते हैं ना साइड पर लगे होते हैं मैंने वो रखा उस पर ऑयल लगा के और उस पर अपनी ये कैंडी डाल दी और उसके बाद ऐसे ही मतलब उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया. शेप में उसे काटना मैं इतनी एक्साइटेड हो गई उसको बेकिंग सोडा की वजह से कलर चेंज होता हुआ देख कर. फिर मैंने ये शेप काटा उसमें ट्रायंगल का बहुत छोटा सा है थोड़ा सा मतलब मेरी कैंडी तो अच्छी बन गई बट शेप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई बट कोई नहीं. फिर इसे निकालना वो सुपर डिफिकल्ट क्योंकि एक हाथ से मैं रिकॉर्ड करी थी और एक हाथ से मैंने ऐसे किया है तो फिर भी मैं ये जो छोटा सा रेक्टेंगल मैंने बीच में बनाया छोटू सा मैं उसे तोड़ रही थी और ये टूट गया अच्छा खासा किसी तरह. टेस्ट की बात करें तो टेस्ट वाज क्वाइट गुड और अगर ये जले ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा था. इन्हें भी थोड़ा थोड़ा शुगर कैंडी की तरह था जो कॉटन कैंडी पिंक कलर की हम खाते हैं यूजली वो. और ये तो स्क्विड गेम किसने किसने देख लिया.